क्या टाइगर पिंजरे में कैद हो जाएगा या फिर बाहर निकलकर सबका शिकार करेगा। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की आने वाली मूवी टाइगर 3 के बारे में। तो दोस्तों इस साल में बड़ी बड़ी मूवी आई है और न जाने कितनी मूवी आने भी वाली है 2023 के साल में। लेकिन सलमान खान की पिछली कुछ मूवीज में सलमान खान की मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से पीट जाती है। जिस लेवल की उनकी पहचान है उस लेवल तक उनकी एक भी मूवी आज तक नहीं जा पाई है और वो अपनी सभी मूवी को पीटता देखकर एक नई मूवी के साथ में बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा सा धमाका करने आ रहे हैं। लेकिन बात करें पिछली हाई कलेक्शन मूवी के बारे में तो दोस्तों पठान, जवान और गदर 2 ये तीन मूवियों ने बड़ी ताबड़तोड़ कमाई की है, यानी कि पैसों की बरसात की है। लेकिन जब ये तीनों मूवी आई थी तभी उनके सामने कोई भी मूवी टक्कर लेने वाली नहीं थी। इसी की वजह यह है कि इसी के कारण ये तीनों मूवियाँ कमाई कर पाई, वो भी बहुत अच्छी तरह से। और टाइगर 3 के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टाइगर 3 को यशराज फिल्म्स की सबसे बड़ी मूवी बताया जा रहा है और टाइगर 3 को सबसे पहला कॉम्पिटिशन करना होगा वर्ल्ड कप के के साथ में। यह टाइगर 3 की रिलीज डेट 10 नवंबर है और ये वो टाइम है जिस वक्त वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल के लिए मैच लड़ रही होगी। सभी टीमें आपस में झगड़ रही होंगी और इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आप क्रिकेट का क्रेज तो देखते ही हो। वर्ल्ड कप के समय में एक ऐसे इंसान को भी क्रिकेट में रस जाग जाता है जिसको ये भी पता नहीं होता कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं। और टाइगर 3 ऐसे वक्त पर रिलीज होगी जब इंडिया में टाइगर का नहीं क्रिकेट का बुखार चढ़ा होगा। और बात करें सलमान खान के ऊपर बने प्रेशर की, दोस्तों अभी बाकी के 3 महीनों में 3 बड़ी मूवी बॉलीवुड की आने वाली है, डंकी, टाइगर 3 एंड एनिमल। और इनमें से रणवीर कपूर और शाहरुख खान के ऊपर हिट मूवी देने का इतना प्रेशर नहीं होगा जितना सलमान खान के ऊपर होगा, क्योंकि सलमान खान की पिछली कुछ मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतने नहीं कमाल कर पाई है और सभी मूवी पिटती रहती है। इसी का वजह है कि सलमान खान को टाइगर 3 हिट मूवी देनी ही होगी। लेकिन बोलने से क्या होता है भाई, कोई अपने मन में कुछ भी सोच सकता है और अपनी आंखें खुले रखकर कोई भी सपना देख सकता है, हम किसी को मना थोड़ी ना कर सकते हैं। सलमान खान के सभी फैंस बस यही सोचते हैं टाइगर 3 आ रही है, पर सच्चाई तो यह है बॉस टाइगर 3 को छोड़कर सभी क्रिकेट के लिए चले जाएंगे। और हाँ, कोई भी मूवी अपने सबसे ज्यादा कमाई पहले वीक में या फिर 2 वीक में ही कर पाती है और उसके बाद मूवी का कंटेंट अच्छा लगता है पब्लिक को तो मूवी चलती है, वरना धड़ाधड़ करके सभी थिएटर से उतरने लगती है और मूवी का द एंड हो जाता है। जब टाइगर 3 का टीजर आया था और सभी फैंस ने देखा तो सबके मन में एक ऐसी चिंगारी आशा जगी कि सलमान खान अब शायद सुपरहिट मूवी दे सकते हैं बॉलीवुड को। और सच में भाई मूवी के धमाके टीजर में देखने को मिलते हैं। टीजर देखकर तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी मूवी ऐसा लगता है, लेकिन भाई अगर टीजर को जिस तरह से प्रेजेंट किया है एक उसी तरह से मूवी हुई तो, और सिर्फ टीजर को ही मसाले वाला बनाकर सबकी आंखों के सामने परोस दिया होगा, तो भाई सलमान खान का यानी कि टाइगर का पिंजरे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बात करें YRF स्पाई यूनिवर्स की, टाइगर 3 यशराज फिल्म की 5वीं फिल्म है और इस मूवी के बारे में बताया जा रहा है टाइगर 3 बाकी फिल्मों से बड़ी मूवी है, यानी कि 4 फिल्में जैसे कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, वॉर और अब फाइनली 5वें नंबर पर है टाइगर 3। इस सभी मूवी में सबसे बड़ी मूवी टाइगर 3 को बताया जा रहा है। तो ये तो तय है कि टाइगर 3 को जवान ना सही लेकिन पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस करना ही पड़ेगा और ये संभव थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि भाई टाइगर 3 के रिलीज होने पर सबसे पहला मुकाबला होगा वर्ल्ड कप के साथ में, इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे सलमान खान वैसे ही सामने रणवीर कपूर एनिमल मूवी के साथ में टाइगर का शिकार करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो अब बताओ कि क्या टाइगर मूवी पठान के रिकॉर्ड्स को बीट कर पाएंगी। और हाँ, मैं भी मानता हूँ कि सलमान खान का फैन बेस कितना सॉलिड है, लेकिन बस किसी भी मूवी को सिर्फ 1 या 2 हफ्ते तक का ही टाइम मिलता है बाजी मारने का, फिर कोई ना कोई सामने आ ही जाता है। सलमान खान की मूवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करती है और कलेक्शन भी काफी बढ़िया करती है, और टाइगर 3 मूवी भी कलेक्शन बहुत ही अच्छा कर लेंगी, लेकिन रिकॉर्ड्स ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल लगता है। और आपने टीजर देखा कि नहीं, टीजर आपको कैसा लगा कमेंट्स में, चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना।